जिला अस्पताल की सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षा गार्डों को पिछले 2.5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिससे उनमें नाराजगी है। इसे लेकर मंगलवार को सभी गार्ड कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। गार्डों ने बताया कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निजी कंपनी के द्वारा 24 गार्ड की नियुक्ति की गई थी। महज 6,300 रुपए में काम कर रहे गार्डों ने बताया, अल्प वेतन के बाद भी समय पर वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। परिवार का पालन पोषण करना चुनौती भरा साबित हो रहा है, जबकि कई बार अस्पताल के अधिकारियों को भी समस्या बताई लेकिन कोई हल नहीं निकला। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और अभी हमारे त्यौहार भी निकल चुके हैं, त्यौहार के पहले भी हम लोगों ने बहुत बार सूचित किया है इन लोगों को कि सर सैलरी दे दीजिए, हमें थोड़ी सी क्या दिक्कत है, हम लोग कोई दूसरी जगह काम धंधे थोड़ी कर रहे हैं कि हमको और कहीं से पैसा आ जाए। एक तो 6,300 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें भी हमारा गुजारा करना थोड़ा सा हमारे को परेशानी दिक्कतें आती है, उसके बावजूद भी हमको दो दो ढाई ढाई महीने तक की सैलरी नहीं दे पाई। अरे कहाँ पर कार्यरत है और कितने महीने की? सर हम नीला चिकित्सालय में गार्ड के पद पे कार्यरत हैं, उसके बाद भी चलते हैं। कितने वहाँ से नहीं मिली शंका? हमारा अभी 2.5 माह का पेमेंट हुआ। मांग लेके आए हैं कि हमको समय पे सैलरी मिले और जो 3 माह की रुकी हुई वो वाली सैलरी भी मिले, और हमारा जो पीएफ डलता है वो भी नहीं डल रहा है अभी, तो वेतन मान भी बढ़ाना है और पीएफ भी समय पे डलवाना है, क्योंकि अभी हमको बहुत परेशानी है। 3 महीने से बच्चों की फीस नहीं जमा करी है और घर में भी बहुत, अभी रक्षाबंधन जैसा त्यौहार गया है, जब भी हमको परेशानी का सामना, हमने लोगों से उधार लेकर हमारा काम ढकाया है नहीं, तो हम वहाँ हॉस्पिटल में भी सब जो भी हमारे अधिकारी उन लोगों से भी बात करी, उन लोगों ने भी कहा है, बोले कि हम क्या करें, आगे से ही नहीं आपका वेतन डल रहा है। कितने लोग कार्यरत हैं आप हॉस्पिटल में? 24 गार्ड हैं। क्या सैलरी मिलती है आपको? 6,300। समय पे नहीं मिल रही? हाँ, समय पे मिली नहीं रही। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम ललिता सोनी गार्ड है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।